इस नए जियोपॉलिटिकल इवेंट को आप डिटेल में सुनेंगे तो आप यही सोचेंगे कि भारत ने बिल्कुल सही पॉलिसी अपनाई है, नहीं तो भारत को भी बहुत ही बड़ा भुगतान करना पड़ता। जैसा कि हमने देखा, सऊदी अरब और यूएई दोनों से ही अमेरिका के रिश्ते थोड़ी कड़वाहट में चले गए, खास करके तब जब बाइडेन आए हैं। ट्रंप के शासन काल में ऐसा नहीं था, ट्रंप ने इन दोनों देशों के साथ रिश्तों को लगातार मजबूत किया था। अब कई कारणों से, जो हम लोगों ने पहले भी बताया है, यमन का मामला हो, ईरान का मामला हो, या F-35 विमानों का मामला हो, या एयर डिफेंस का मामला हो, कई ऐसे काम कर दिए अमेरिका ने जिसकी वजह से सऊदी अरब और यूएई के साथ रिश्ते खट्टे होने लगे। अब उसके बाद शायद पूरी तरीके से होमवर्क नहीं किया गया अमेरिका के द्वारा, और अचानक से ये फैसला ले लिया गया कि चलो हम रूस के ऊपर तेल के ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं। और इस तेल के ऊपर प्रतिबंध लगाने का असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि बहुत तेजी से महंगाई बढ़ने लगी। अब इसके लिए बाइडेन ने कॉल किया, यूएई को भी कॉल किया, सऊदी अरब को भी कॉल किया, लेकिन इन दोनों ही देशों ने बात करने से इनकार कर दिया। अब बात करने से जैसे ही इनकार हो गया तो ये समझा जाने लगा कि ये दोनों देश इस वक्त इसलिए नहीं बात करना चाह रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इससे ये कहा जाएगा आप तेल उत्पादन को बढ़ाओ, और ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि तेल का उत्पादन बढ़े, क्योंकि इन्हें कोई मतलब नहीं है। तेल का उत्पादन बढ़ेगा तो कच्चे तेलों के दाम गिरेंगे, और दाम गिरेंगे तो महंगाई घटेगी। पर इस वक्त यूएई और सऊदी अरब ने अमेरिका को साथ नहीं दिया, यही वजह है कि बाइडेन का फोन भी नहीं उठाया। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने एक विश्लेषण में लिखा है कि यूक्रेन में जो ये लंबा युद्ध चल रहा है, दुनिया के कई हिस्से में तनाव भी पैदा हो गया है, लेकिन मिडिल लिस्ट में क्षेत्रीय व्यवस्था ने दबाव में है उतना कहीं भी नहीं है। इस क्षेत्र में अमेरिका के दो सबसे बड़े सहयोगी देश अब अमेरिका के साथ अपने संबंधों की बुनियाद पर सवाल उठा रहे हैं। मतलब समझिए आप कि ये दोनों प्रमुख देश जो अमेरिका के कभी सहयोगी रहे हैं, अब दोनों ही देशों के बीच धीरे धीरे रिश्ते खराब हो रहे हैं, अमेरिका के साथ ये कट रहे हैं, और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। क्यों? क्योंकि ऐसी बातें कही जा रही है कि अब रूस की तरफ से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है इन देशों में, तो वहीं चीन ने भी अब इन देशों का दामन पकड़ लिया है। चीन व्यापार के मामले में भी इन देशों में घुस रहा है, और कथित तौर पर तो यूएई के अंदर सैन्य बेस बनाने की बात भी कही गई थी कि चीन एक सैन्य बेस बना रहा है जो आने वाले समय में खतरा ही खतरा है। यानी अमेरिका के इस एक निर्णय को आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, और अमेरिका ने यूएई और सऊदी अरब से जो रिश्ते खराब हो रहे हैं, ये पिछले 50 सालों में नहीं हुए थे जो अब हुए हैं। अब ऐसे में अमेरिका क्या कदम उठाता है मिडिल ईस्ट में अपने पांव को फिर से जमाने के लिए, ये बेहद जरूरी है। वैसे आपको बता दें, ये भारत के लिए भी सही नहीं है कि मिडिल ईस्ट में चीन का बहुत ज्यादा प्रभाव हो। वैसे मिडिल ईस्ट के देश भारत के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रख रहे हैं और बड़ी मात्रा में कश्मीर में निवेश भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत इजराइल मिलकर इस क्षेत्र में कोशिश करनी होगी कि चीजों को फिर से ठीक किया जाए। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।